अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर दोस्तों आ रही, दोस्तों जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों कुवैत एयरपोर्ट को, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सभी एक्सपर्ट के लिए दोस्तों वहां पे 20 मार्च तक वहां पे बैन लगा दिया गया है। और दोस्तों उसके साथ साथ वहां पे जितने रेस्टोरेंट है, जितने वहां पे बार बार शॉप है, जितने भी वहां मेकअप की जगह दुकानें वगैरह है, जितने भी सैलून वगैरह है, ब्यूटी पार्लर है, सभी को वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे बंद करने का वहां पे निर्देश दे दिया गया था। जिसके बाद दोस्तों वहां पे कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग के दौरान दोस्तों वहाँ कुछ एमपीज़ ने ये वहाँ पे प्रस्ताव रखा कि जितने भी वहाँ पे सैलून वगैरह है, जितने ब्यूटी पार्लर है, जितने भी शॉप वगैरह है, सभी को खोलने की अनुमति दी जाए। अनुमति के साथ साथ वहाँ पे ये भी प्रस्ताव रखा गया कि जो भी कोविड-19 के मेजर को, प्रिकॉशन को जो बनाया गया, उन सभी को पालन करते हुए दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वहाँ पर लगातार काफ़ी दिक्कतों को लोगों को वहाँ पर सामना करना पड़ा है, जिससे वहाँ पर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पर इसका नुकसान सहना पड़ रहा है और वहाँ पर लोगों को, पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना रहा है। तो दोस्तों वहां पे कुछ एमपीज के द्वारा कैबिनेट मीटिंग में वहां पे ये प्रस्ताव को रखा गया है, पर इसको मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। अब मंजूरी दोस्तों जैसे ही इसकी मिल जाती है तो दोस्तों मैं, इसकी कोई खबर आएगी मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। अगली दोस्तों अपडेट वहां पे ये है कि दोस्तों जैसा कि आपको पता है वहां पे जितने भी रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह है, सभी को वहां पे बंद कर दिया गया है। यदि होम डिलीवरी लेना चाहते हो, सिर्फ होम डिलीवरी आप ले सकते हो, वहां पे जाके बैठ के वहां पे खाना वगैरह जो है आप वहां पे नहीं खा सकते हो। तो दोस्तों इसको देखते हुए वहां पे एमपीज में इस पर भी बात रखी गई है कि जितने भी होटल्स वगैरह खोलने की अनुमति दी जाए, और कुछ मतलब ऐसा वहां पर बताया गया है कि कुछ लोगों को ही अंदर आने की अनुमति होगी, जैसे कि 10 लोग, 5 लोग, ऐसा कोई रूल बनाया जाएगा, उसके हिसाब से भी होटल्स में एंट्री होगी। तो दोस्तों ये सब प्रस्ताव को वहां पे कल के दिन कैबिनेट मीटिंग में वहां पे रखी गई, पर दोस्तों इस पर अभी मंजूरी नहीं दी गई है। दोस्तों आगे जैसे ही इस पर कोई अपडेट अगर आती है, होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, शॉप वगैरह, यदि सैलून वगैरह, ब्यूटी पार्लर वगैरह यदि खुलता है तो मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। अब दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, वहाँ पे कुछ भाइयों का लगातार ये सवाल होता है, भाई को एक्सपर्ट के लिए कोई एंट्री बताइए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, कल के दिन दोस्तों वहाँ पे 248 पैसेंजरों को लाया गया है, जो कि अलग अलग देशों से वो शामिल थे, जैसे कि खासकर कतर से लाया गया, बहरीन से लाया गया, जर्मनी से लाया गया, इंडिया से कुछ लोगों को, डोमेस्टिक वर्करों को लाया गया है। मतलब दोस्तों फ्लाइटें अभी आ रही है पर उतनी लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है, सिलेक्टेड लोगों, सिलेक्टेड कंपनियां को ही एंट्री वहां पे दी जा रही है। जो सिलेक्टेड कंपनियां सिलेक्टेड वीजा जो इशू कर रही है, खास करके डोमेस्टिक वर्करों का, बस डोमेस्टिक वर्करों को ही आने की अनुमति दी जा रही है। खास करके दोस्तों दो देशों से ज्यादा भी आ रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था कि दो देश को वहां पर नया वीजा इशू करने का वहां पर परमिशन दिया गया है, एक है दोस्तों वहां फिलीपींस और दूसरा इथोपिया। तो उन देशों को, दोनों देशों को दोस्तों वहां पे वीजा इशू करने के वहां पे ऑर्डर दिया गया, पर दोस्तों अभी इस पे मंजूरी नहीं हुई है। बहुत ही जल्दी दोनों देशों का आने की अनुमति मिल जाएगी, पर दोस्तों सभी को, डोमेस्टिक वर्करों को ही अभी लाया जाएगा और जो खादिम वीजा वाले हैं उनको ही लाया जाएगा। दोस्तों जैसा कि मेड वगैरह हो गया, जो घरेलू वर्कर हैं, जो घरेलू काम करते हैं, उन्हीं लोगों को लाया जाएगा, दूसरे वर्कर को फिलहाल अभी नहीं लाया जाएगा। अब दोस्तों इस पर कोई नई, यदि बदलाव आता है, नई कोई अपडेट आती है तो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट्स को लेकर, एक्सपर्ट नए दोस्तों जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ये सब के लिए कोई अपडेट अभी नहीं आई है, उन लोगों को अभी वीजा नहीं दिया जा रहा है। तो जो लोग भी अभी जैसे कि आप खादिम वीजा वाले हैं, मेड हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, तो वो लोग अपना वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसलाम.com पे जाइए, मुसाफिर.com वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बुलाया जाएगा, पर दोस्तों अभी नॉर्मल तरीके से अभी बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।